हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हो कि आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सवेरे का टाइम जो है 7 बज चुकी है। मैं उठ के नहा ली पहले, उसके बाद जो है पोछा लगा रही हूँ घर की। और आज जो मंगलवार का दिन है और मंगल चौथी भी है, आज मेरा उपवास भी है। और आज का ब्लॉग जो है लगातार मैंने 3 दिन का ब्लॉग है, मैंने 3 दिन तक शूट करके एडिट करके डाली हुई हूँ। फ्रेंड्स मेरी वीडियो जो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने साड़ी पहना आज और तिल की जो है लड्डू बना रही हूँ। मंगल चौथी के दिन में जो है टोटल 21 लड्डू चढ़ाने पड़ता है गणेश जी को। और आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा। आप लोग जो नए हो मेरी वीडियो पे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स वीडियो। पूजा फिनिश करके मैंने यहाँ पर चाय बना ली खुद के लिए और चाय के साथ जो है लड्डू खाऊंगी। आज आज जो है मुझे होल डे उपवास है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, एक डायरेक्ट मैं शाम को ही खाऊंगी। किचन में जो है थोड़ा बहुत काम था जो कर ली। अब जो है लड्डू भरा के रख दूंगी बॉटल पे। ये डेली चाय के साथ खाना अच्छा लगता है, फीकी चाय के साथ जो है लड्डू बहुत अच्छा लगता है खाने में, और मेरा बेटा को भी बहुत ही पसंद है। और एक क्लिप जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, सरस्वती पूजा के दिन की। यहाँ पे मेरा बेटा जो है पूजा कर रहा है माता सरस्वती का, और हमेशा इसी को मैं सरस्वती पूजा के दिन करने के लिए बोलती हूँ पूजा। और यहाँ पे जो आरती घुमा रहा है, मैंने इसको बोला प्रत्येक फ्लोर पे तुम आरती घुमा लो बोल के, अभी ये सब पे आरती घुमा रहा है। और यहाँ पे पूजा खत्म होने के बाद चाय दे रही हूँ लड्डू के साथ, मैं भी खा ली लड्डू और चाय। और सब्जी बना रही हूँ, सब्जी में जो है फूलगोभी, आलू, मूली और कैप्सिकम की सब्जी। सब्जी में कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ जीरा, धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी, नमक वही डाल के बना रही हूँ। और खिचड़ी जो काली दाल की बनाई हूँ, काली दाल में थोड़ी सी मूंग और अरहर मिक्स करके उसको छोंक लगा दी घी, तेज़पत्ता और मिर्च और मेथी दाने से। और चटनी बना ली, चटनी में जो कुछ नहीं डाली उसमें भी जीरे, धनिया और मिर्च सिर्फ। आज के दिन जो है लहसुन प्याज खाया नहीं जाता इसीलिए सिंपल बना ली। और आज का दिन का खिचड़ी जो है ना बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड, और सब्जी भी बहुत ही टेस्टी हुई थी, बहुत ही टेस्टी। Thank you.
और जो है नेक्स्ट है मॉर्निंग की सुबह 7 o'clock हुई है फ्रेंड्स, और रात को धोया हुआ सब बर्तन जो है रख देती हूँ जगह पे। और सवेरे जो है बेटे के लिए खाना बनाना ही पड़ता है। मैंने अभी जो दाल बैठा दी हूँ कुकर पे, और राइस और सब्जी, सब्जी में जो ब्रोकली की सब्जी बना रही हूँ, प्याज और टमाटर रखे हैं, ओनली मसाला में कुछ भी नहीं रखूँगी, सिंपल तरीके से फ्राई करूँगी, और उसके साथ जो है चटनी। और ब्रोकली की जो डंठल है ना मुझे बहुत पसंद है, उसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैं बना रही हूँ मिक्स करके। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. बेटे को जो खाना देने के बाद मैं मेरे लिए एक पराठा बना रही हूँ, सिर्फ एक ही पराठा, उस भी लच्छा पराठा बना रही हूँ, बट एक रात की जो आटा थी उसी को मैंने गूंथा नहीं है, बची हुई आटा की मैं जो एक गोली बची हुई थी उसी की बना ली। और नाश्ते में जो एक पराठा और सब्जी ब्रोकली की सब्जी के साथ मैं खा रही हूँ, और इसके साथ जो स्पेशल चाय। और अभी जो मैं न्यू रेसिपी बना रही हूँ राइस केक, इसके लिए जो है पैन में घी रखी, घी रखने के बाद दो
कप चावल डाली, बासमती चावल है, इसको जो अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और ऊपर से जो काजू और आलमंड रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स में, जो जो था वही, और इसको फ्राई करके जो है ब्राउन कर लेती हूँ पहले। ये ब्राउन हो चुकी है अच्छी तरह से। अब इसको जो है निकाल के मैं ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद जो है मिक्सर जार में डाल के इसको पीस लेती हूँ। और पीसने के बाद जो है इधर जो है चीनी को जो है क्रेमलाइज कर रही हूँ। और चीनी और पानी को मिला के थोड़ी देर पकाऊंगी इसकी, जब तक कलर ना आए तब तक। और कलर आने के बाद जो है ऊपर से जो है मैं मसाला डाल देती हूँ, वही लौंग इलायची पाउडर थी वही मसाला ऐड करके उसको थोड़ी देर पका लेती हूँ, जब तक चिपचिपा ना हो जाए। और ऊपर से जो है तभी मैं वही राइस पाउडर ऐड करती हूँ। ऐड करने के बाद थोड़ी देर अच्छी तरह से पका लेती हूँ। पकाने के बाद जो ठंडा होती है ना, ठंडा होने के बाद जो है मेरी आइसक्रीम की डिब्बी है, डिब्बी पर मैं भरा के रख दूँगी, वो बहुत अच्छी राइस केक बनेगी। और इसको जो है मैं आज मीटिंग में जा रही हूँ बाहर थोड़ी देर के लिए, और बेटा को जो है स्कूल के जब आएगा वही खाने के लिए बोलूँगी। और अभी जो है एक रेसिपी बना रही हूँ, मखाने की रायता। मखाने को जो है अच्छी तरह से भून ली, और भूनने के बाद जो है और दही पे है, यहाँ पे दही लेती हूँ एक कप। और दही जो है मीठी दही है मेरे पास, खट्टी दही होने से और अच्छा होती है। और ऊपर से जो चाट मसाला कस्तूरी मेथी ऑरेगानो और चिल्ली फ्लैक्स नमक और चीनी स्वाद अनुसार सब डाल के, और चाट मसाला भी डाली थोड़ी सी, सब ऐड करके मैं रायता बना देती हूँ। बहुत ही टेस्टी होती है ये रायता, जो है राइस के साथ भी अच्छा लगता है। और वैसे और इसका टेस्ट जो है बिल्कुल चाट की तरह होती है, और चाट बनाए भी जा सकता है। ऊपर से जो है चना वना डाल के जो मिक्स करेंगे तो चाट बन जाएगा पापड़ ऊपर डालने से। और ये बनाने के बाद जो है अभी जो है बर्तन भी धो रही हूँ। घर का काम पूरा फिनिश कर ली। अभी जब मैं खाना खा रही हूँ दिन की जो है लंच, और सवेरे जो बनाई थी राइस दाल चटनी ब्रोकली की सब्जी और जो है रायता मखाने की रायता। और मैं तैयार हो गई फ्रेंड्स, मैंने जो पैंट पहना है पैंट और टी शर्ट जो वुलन की टी शर्ट है। सुमारी भवन पाशुपत क्षेत्र काठमाडौँमा भएको छ।
तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं इतने में एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। Thank you.